बड़ी लापरवाही, हाथी और उसके बच्चे को लगाए आग, जाने पूरी खबर। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें हाथी और उसके बच्चे को आग लगी हुई है और वह बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, जिसको देखकर लोगों को खूब डर भी लग रहा है। आइए जानते हैं क्या है इस फोटो की सच्चाई। दरअसल यह फोटो बंगाल के बनकोडा जिले की है, जहां पर हाथियों पर आए दिन कई अत्याचार होते ही रहते हैं। इस फोटो को फोटोग्राफर विप्लव हजारा ने क्लिक की है। इस फोटो के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी अवार्ड भी मिला है। इस फोटो के पीछे की कहानी थोड़ी अलग है। इस फोटो को देखकर लग रहा है कि हाथी लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन असल में लोगों ने हाथी और उसके बच्चे पर पटाखे और बम फेंके थे। इससे बचने के लिए दोनों जंगल की ओर भाग रहे हैं। हाथी का बच्चा जोर जोर से चिल्ला और लोग भागते हुए नजर भी आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के अलावा अत्याचार आसाम, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कई हिस्सों में भी होते रहते हैं। आपको बता दें कि यह संघर्ष आजकल आम हो चुका है। पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट की माने तो 2014 से लेकर अब तक इसी तरह 84 हाथियों को मारा जा चुका है। शिकारी हाथी के दांतों के चक्कर में उन्हें मारने के प्रकार फिराक में रहते हैं और आए दिन ऐसे हथकंडे अपनाते रहते हैं।